सो हे गाइस, वेलकम टू द मेडिकल जानकारी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीरोडोल एसपी टैबलेट्स के बारे में। जीरोडोल एसपी दोस्तों इफिका फार्मा की तरफ से देखने को मिलती है, जिसकी कीमत लगभग 107 रुपये 10 टैबलेट्स की देखने को मिल जाती है, जो कि आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। 10 या 11 रुपये की एक गोली आपको ये मिल जाती है। ये काफ़ी जानी मानी टैबलेट्स आती है, जो एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती है, जिसमें आपको मिल जाता है जैसे कि जोड़ों में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों का दर्द हो रहा है और ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द में इस प्रकार के टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से समझेंगे जीरोडोल एसपी के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसे हमने आपको बताया कि भैया ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन आती है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो होता है एक पैरासिटामोल, दूसरा आता है एसिक्लोफेनाक, तीसरा आता है सेरापिटेडर्स। जो होता है एसिक्लोफेनाक की बात कर लेते हैं तो दोस्तों एक नॉनोपोइड एनाल्जेसिक ड्रग्स होता है, जो दर्द वगैरह को कम करने में मददगार साबित होता है। और पैरासिटामोल को आप लोग जानते होंगे, जो एक एंटीपायरेटिक होता है, जो फीवर के कंडीशनों में यूज़ किया जा सकता है। तीसरा जो इसमें आता है सेरापिटेडर्स, एक एंजाइम होता है जो सूजन को कम करने में उपयोगी होता है, यानी बॉडी में कहीं पर भी स्वेलिंग आ रही है तो सेरापिटेडर्स जैसे साल्ट का यूज़ किया जा सकता है। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी की बात करते हैं तो पीसीएम इसमें 325 mg में, एसिक्लोफेनाक 100 mg में और सेरापिटेडर्स इसमें 15 mg में देखने को मिल जाते हैं। इसके कई सारे और अल्टरनेटिव ब्रांड्स आते हैं, अगर आपको जीरोडोल एसपी नहीं मिलता है, ये जेनरिक के रूप में भी आपको मिल जाते हैं। अल्टरनेटिव ब्रांड्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका विक्टोरिया एसपी हो गया, आपका आइबुजेसिक एएसपी हो गया, एनाफिलैक्सिन एसपी टैबलेट्स आ जाती है, और भी कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाएगी। जनरली अगर आप मेडिकल पे जाओगे तो एसपी तो आपको हर जगह मिल ही जाती है, इतनी कॉमन मेडिसिन है। और एपिका की तरफ से एक एथिकल टैबलेट आती है, जो कि काफ़ी अच्छी सी बात है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। यूजेस की बात करते हैं तो आपके कमर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों के दर्द के लिए, मांसपेशियों के दर्द के लिए, गले में दर्द हो रहा है, गले में इरिटेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में दिया जा सकता है। फीवर की कंडीशनों में यूज़ कर सकते हैं, साथ में आपकी बॉडी में कहीं पर भी दर्द हो रहा है या चोट की वजह से स्वेलिंग आ गई है तो भी इसको उपयोग किया जा सकता है। एक्सीडेंटली कहीं पर चोट लग गई है जिसकी वजह से उसमें सूजन आ गई है या पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग की कंडीशन में भी इसको लिया जा सकता है। बोन का दर्द होना यानी हड्डियों का दर्द, और महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम के लिए भी को लिया जा सकता है। गठिया संबंधी दर्द में सूजन के लिए और आपके कोल्ड जैसी कंडीशनों में भी इसको लिया जा सकता है, और भी कई सारे इसको अलग से यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से या प्रैक्टिस के हिसाब से इसको अलग अलग कंडीशनों में यूज़ करवा सकते हैं। दोस्तों डोजेस की बात करते हैं तो दोस्तों इसको दिन में 1 से 2 बार लिया जा सकता है, वो भी अपने डॉक्टर से परामर्श के हिसाब से आपको लेना चाहिए। इसको दोस्तों हमेशा पानी के साथ लेना चाहिए, जब भी आप इसको लेते हैं तो डायरेक्टली लेना है, इसको तोड़ना या मरोड़ना कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली इसको अप्लाई करना है और खाना खाने के बाद ही आपको हमेशा इसको लेना चाहिए, ताकि आपको कोई भी एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन की इससे प्रॉब्लम ना हो। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो दोस्तों जनरली जो हम साइड इफ़ेक्ट आगे बता रहे हैं, अगर आपको इन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं तो इसके बाद अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करें, ताकि आपको कोई अदर प्रॉब्लम ना हो। उल्टी होना, दस्त होना, भूख की कमी होना, खट्टे डकार आना और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती है। ऐसा कंपलसरी नहीं होता है, किसी किसी पेशेंट को ये देखने को मिल सकता है। कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो दिमागी बुखार होना, फेस पे सूजन आना, स्किन इरिटेशन होना, धुंधलापन होना, आपके हाइट या वेट का गेन होना, वेट लॉस होना, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। साथ में सांस फूलने की प्रॉब्लम भी आ सकती है और फेस पे पीलापन जैसी कंडीशनें हो सकती है। अगर किसी पेशेंट को ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो डॉक्टर से मिलिएगा, और इससे अलग भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले। प्रिकॉशन की बात करते हैं, सावधानी की बात करते हैं, अगर इस ड्रग से आपको एलर्जी है तो दवाई को ना लें, डॉक्टर से परामर्श जरूर करें और अल्कोहल के साथ इस दवाई का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको इसको लेने के बाद चक्कर आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो दवाई को बंद करें। किडनी का इन्फेक्शन या लीवर का इन्फेक्शन या फिर प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं या कंसीव करने की सोच रहे हैं तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लीजिएगा, उनको इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। कुछ ड्रग्स के साथ ही इंट्रैक्शन कर सकते हैं, जैसे कोई आप दवाएं पहले लेते हैं तो उसके साथ आपको कुछ रिएक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एस्पिरिन दवाई हो गया, क्लोपिड्रोल हो गया, डाइक्लोफेनाक हो गया, हेपरिन हो गया, आइबुजेसिक हो गया। आपका अल्कोहल के साथ भी इसको नहीं लेना चाहिए, और अल्प्रोजोलम जैसी दवाइयाँ होती है तो उनके साथ ही इंट्रैक्शन कर सकता है या फिर इसके प्रभाव को कम कर सकता है या फिर बढ़ा भी सकता है, तो इसके बारे में अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें अगर आप पहले से कोई दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं। ओवरडोज की कंडीशन में आपकी लीवर पे, किडनी पे इन्फेक्शन करता
सकता है, हार्ट में हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, अस्थमा की दिक्कत हो सकती है और ब्लड क्लॉटिंग की समस्या भी देखने को मिल सकती है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम पहले से है या फिर आप कोई दवाई का सेवन पहले से कर रहे हैं तो उसके बारे में अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था कुछ जीरो डोल एसपी के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें उन लोगों को जिनकी इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। ओके बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।